उमेद सतसाहेब ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के गांव बदवाना जामा माई कला पालरी में जाकर लोगों के विचार जाने। वहीं इस अवसर पर ग्रामीण दीप शर्मा, माई खुट जगमोहन शर्मा, राजेंद्र शर्मा, महेश कुमार, बीडीसी सुमित मोहित, हवा सिंह, धर्मेंद्र कुमार, राजेश ईश्वर सिंह आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। आज हम पहुंचे बदवाना गांव में, ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हैं चौधरी धर्मप्रीत सिंह और कांग्रेस पार्टी और भी पार्टी के नेता आते होंगे और हम आज पहुंचे ग्रामीणों का जो सुझाव है वो जानने के लिए। आपका सर क्या विचार है मोदी जी के प्रति, या आपके कैंडिडेट है चौधरी धर्मवीर सिंह या श्रुति चौधरी और भी नेता हैं पार्टियों के, चौटाला पार्टी से भी हैं, आपका क्या विचार है? मेरा विचार है ये है जी कि इस 5 साल में सरकार में, बीजेपी की सरकार में, पूरे देश में, प्रदेश में समान रूप से विकास हुआ है, उसको देखते हुए और मोदी जी के कार्य को देखते हुए, हरियाणा में खट्टर सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कार्यों को देखते हुए लोग बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा मौका देना चाहती है। और हम सभी युवा ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जो भी मोदी सरकार का, मोदी जी का, तो सर आपको, आपका विचार है कि मोदी जी अगर दोबारा संसद में आते हैं, हमारा पीएम पद के उम्मीदवार हैं, वो जीतते हैं, तो हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, हमारे देश का विकास कार्यक्रम आगे, हमारे देश का एक नाम होगा पूरे ऑल वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहेगा मोदी जी का, आपके सुझाव? मोदी जी का हर क्षेत्र पर फोकस है, समान रूप से सेना पर भी ध्यान है, देश के बेरोजगारी पर भी ध्यान है, विकास पर भी ध्यान है, सड़कों पर भी ध्यान है, हर क्षेत्र में मोदी जी का ध्यान है और वो पूर्ण रूप से अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को कर्तव्य को। ठीक है, ये थे हमारे साथ में महेश कुमार, गांव बदवाना के वासी, आज हम बदवाने पहुंचे थे, इनका फिर धन्यवाद करते हैं। मैं TV1 इंडिया न्यूज़ से स्टेट हेड महेश कुमार आपको टीम के साथ, कैमरामैन प्रदीप के साथ वापस ले जाता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? हवा सिंह जी, आप बदवाना गांव के वासी हैं, आपके साथ पास में कांग्रेस पार्टी के लोग आते होंगे और बीजेपी पार्टी से आते हैं और भी पार्टी से नेता आते हैं, जैसे अपना राजकुमार सैनी जी की पार्टी से हैं, रमेश पायलट जी और भी पार्टियों से हैं, तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? अभी मोदी जी को अगर वोट दें या बीजेपी को सरकार बनाए तो उसमें आप क्या चाहते हैं मोदी जी? मैंने कुछ एक कसरा मोदी जी का नहीं, मोदी जी से आप देखो, हम पीएम पद के उम्मीदवार चाहते हैं तो उनसे कुछ उम्मीद तो रखते होंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास करवाएगा, हमारे देश को उन्नति पे ले जाएगा, शिक्षा का स्तर बढ़ाएगा या और कुछ करेगा। मोदी आने के बाद में है ना, हमें घर में तो गैस मिलती है। हाँ जी, ठीक है, तो सबसे सुनो सबसे ज़्यादा तो मेन फोकस होगा आपका गैस मिलती है, गैस का। पहले कांग्रेस का राज में था, दादरी जाया करता, पाँच छः छः दिन नंबर लाइन में लगे रहते थे, और अब हफ्ते वाले दिन ले लो और क्या, दूसरी क्या ये, आप जितने भी नौकरी लगे हैं आप दिनों में लगे, किसी का पैसे नहीं लगा, पहले चंडीगढ़ जाया करता मैं। तो दूसरा आपका मेन जो समझा कहने का मेन मकसद ये है कि जो प्रतियां हुई हरियाणा सरकार को, उसमें कोई रिश्वत नहीं? नहीं, कोई रिश्वत नहीं, किसी ने पैसे नहीं लिया। पहले पहले चंडीगढ़ था, मंत्री अखबार जाया करता, दो सारा नहीं जाया करता, पैसा दिया करता, दारू का दिया करता, कोई नहीं दिया, अब किसी को कोई नहीं दिया, अपने घर बैठे चुप लेट रहा कि तुम्हारा वो है। अब ये भर्ती हुई थी घर में, और क्या चाहते हैं आप? हम और दूसरी मोदी की ये विदेश जो नीति है ना, इतनी बड़ी है, इससे अच्छा नहीं कुछ। ये हमारे साथ हैं हवा सिंह जी, इनका विचार जाना, अब और जितने भी ग्रामीण हैं उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। रुक जाए भाई, आप पीएम के पद के तौर पर किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी जी को? ऐसा है सर, मैं किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी की दृष्टि से मैं देखता हूँ। मेरे सामने नहीं, आपका मेन फोकस होगा ना जैसे राहुल गांधी या मोदी जी हैं, उनमें से आप किसको पसंद कर रहे हैं? आप सुनो, वही बता रहा हूँ, अब तक कांग्रेस सरकार भी देखी, बीजेपी सरकार भी देखी है, लेकिन जो काम बीजेपी सरकार ने किया है वो काबिले तारीफ। अच्छा, आप मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने विकास कार्य करवाए काफ़ी हद, तो और क्या उम्मीद रखते हैं आपके प्रत्याशी हैं यहाँ से? चौधरी धर्मवीर सिंह हैं, श्रुति चौधरी हैं, रमेश पायलट जी हैं और अपना फौजी हैं इनेलो पार्टी से, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? आज देखिए, उम्मीद तो कोई भी उम्मीदवार होगा तो उम्मीद यही की जा सकती है कि वो जनता की सेवा करें, निष्पक्ष भाव से करें, इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, सरकार सीधे पब्लिक के सामने जाके उनके विचार सुने, और जिस तरह से विकास हो रहा है तो ये उम्मीद करेंगे आगे इससे ज़्यादा होगा।
अच्छा, तो आप विकास कार्य चाहते हैं जी। तो मोदी जी देश को, जैसे आपके सोच से ये पता चला कि मोदी जी को आप पसंद करें, बीजेपी सरकार को पसंद करें, तो मोदी जी वर्ल्ड में देश का जो विकास कार्य करवाएंगे, तो देश में आगे जो और देश हैं वो हमारे को एक अहमियत देंगे। हाँ जी बिल्कुल, है ना। हाँ जी, उसके साथ में जैसे बात की जाए सैन्य शक्ति की, तो भारत सरकार में सैन्य शक्ति के तौर पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे मोदी जी? सैनिक शक्ति फौज के लिए, देखिए जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है फौज को जितनी आज़ादी मिली है आज से पहले कभी नहीं मिली। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, दिन का मैंने सिर्फ नहीं था, आज एक महीने का मैंने तो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि सेना के हाथ ना बांधे जाएं, उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी से युवाओं के लिए क्या चाहेंगे आप? बेरोजगारी जो खत्म जो है उसको ख़त्म किया जाए। बेरोजगारी पे ये है कि भ्रष्टाचार ना हो और योग्यता के हिसाब से हर निष्पक्ष भाव से। ये थे हमारे साथ में बदवाना गांव के सुमित कुमार जी। हम टीवी इंडिया न्यूज़ इनका धन्यवाद करता हूँ। कैमरामैन टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए उमेश सत साहिब की रिपोर्ट, हरियाणा।